नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कुमार। आप मुझे देख रहे हो डीप ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे। स्वागत करता हूँ आपका एक और नए एपिसोड पे। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, तो हम बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन है और बैंक के जितने भी काम हैं, हम सभी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इनका माध्यम है जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भी कई ट्रांजेक्शन भीम यूपीआई के ऐप्स है, उनसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वर्तमान में बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहे फ्रॉड के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। जैसे हाल ही में मुंबई के निवासी श्री रामचंद्र बजवाड़ के साथ हुआ है, उनका सेनेटरी का काम था, तो उनके पास जो लोग काम करते थे उनके पास वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से। तो एक्चुअल बैंक का सर्वर डाउन था, तो उनका पेमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो हमारे साथ भी, आपके साथ भी समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर में बात करते हैं। कस्टमर केयर में बात करने के लिए हमारे पास अगर नंबर नहीं होता है तो हम सीधे गूगल पे सर्च मारते हैं। तो गूगल पे जो नंबर मेंशन किए जाते हैं हम उस नंबर पे कॉल करते हैं। तो जैसे पहले तो फ्रॉड होता था कि हमारे पास कॉल आता है, अब इस पर कहाँ से फ्रॉड हो रहा है कि हम खुद उनके पास कॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ चल रहे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अदर यूपीआई के ऐप्स हैं जिनमें बहुत ही भयंकर तरीके से फ्रॉड चल रहा है। तो रामचंद्र जी बजवाड़ ने अपने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होने के बाद गूगल पे, फोन पे के कस्टमर केयर के नंबर सर्च किए, तो उनके जो नंबर मेंशन किए गए उन पे उन्होंने कॉल लगाया, तो वो नंबर फ्रॉडर के नंबर थे, फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड टीम के नंबर थे। तो उन पे उनसे बात हुई, तो उनके बात करने के टैलेंट भी सेम कंपनी वाले जैसा ही होता है। तो उन्होंने सबसे पहले, वो क्या करते हैं, एक एनीडिक्स का नामक ऐप होता है जो डाउनलोड करवा लेते हैं। अगर आपने साइड में आपको मेंशन करा रहा हूँ, एनीडिक्स होता है जिससे सारा कंट्रोल, आपके फ़ोन का सारा कंट्रोल मैं अपने फ़ोन में ले सकता हूँ, कोई दूसरा उस ऐप के माध्यम से अपने फ़ोन में सारा, अपने आपके फ़ोन का सारा कंट्रोल ले सकते हैं। तो आप उस फर्जी नंबर पे कॉल करते हो क्योंकि वे ओरिजिनल नंबर नहीं होते हैं, और वो पता नहीं किस प्रकार से गूगल पे अपने वो नंबर डाल देते हैं। तो आप उस नंबर पे कॉल करते हो, तो आप सबसे पहले वो बोलेंगे कि हम कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, आप एनीडेक्स नामक ऐप डाउनलोड कर दो। आप एनीडेक्स डाउनलोड करते हो और उसमें कुछ ओटीपी आते हैं जो वो अपने फ़ोन पे उसका कंट्रोल, आपके सारे फ़ोन का कंट्रोल वो अपने फ़ोन में लेते हैं जैसे कंप्यूटर में होता है। तो उसको होने के बाद वो आपसे पूछेंगे कितने ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप बता दोगे नंबर, बता दोगे वो, आप जो नंबर बताते हो किस नंबर पर ट्रांसफ़र करना है तो वो खुद के नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद में आपको वो यूपीआई कोड बताते हैं, जो आप सोचते हो कि यार कंपनी वाले हैं ये क्या करेंगे फ्रॉड, तो आप यूपीआई कोड भी उनको आसानी से बता देते हो, और उसके बाद वो सारा पैसा आपका साफ कर लेते हैं और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पहले तो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का फ्रॉड चला था। रामचंद्र जी बजवाड़ ने अपने 3,80,000 रुपये अपने अकाउंट में से खो दिए थे, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से उनके वेस्ट बंगाल जितने भी लोग थे जो उनके शॉप पे काम करते थे उनको वह पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे क्योंकि वो गांव जा रहे थे। तो पैसा ट्रांसफ़र हुआ नहीं, सर्वर बैंक का, उनके बैंक का सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका अकाउंट था, तो उनके बैंक का सर्वर डाउन चल रहा था। कभी कभार हो जाता है फ़ोनपे यूपीआई में, ये सब में यूपीआई जितने भी ऐप्स हैं उनमें हो जाता है कि बैंक का सर्वर डाउन चलता है, तो हम जो भी ट्रांसफ़र करते हैं वो ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो उनके साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन हुई, लेकिन उनको ज़रूरी था ट्रांजेक्शन करना, तो उन्होंने उन पर कॉल लगाया और उन्होंने उनका सारा ऐप डाउनलोड कर, एनीडेक्स एक ऐसा ऐप आता है, मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता दूँ, अगर आप एनीडेक्स डाउनलोड कर लेते हो, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा कोई भी आदमी हो, अगर जो वहाँ कोड आते हैं वो आप कोड मुझे बता देते हो, तो आपके फ़ोन का सारा कंट्रोल मेरे पास आ जाता है, फिर मैं कुछ भी कर लेता हूँ। तो रामचंद्र जी ने उनसे ओटीपी मांगे और यूपीआई कोड बताया, और यूपीआई कोड लगा के वो सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फिर उन्होंने अपने वर्क्स के, जो उनके वर्कर थे उनके पास काम करते थे, उनके पास कॉल लगाया कि आपके पास पैसा आ गया, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास कुछ ही पैसा नहीं आया है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका पैसा वापस कैसे मिलने वाला था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि आपका फ्रॉड किया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए, ऐसी कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है, और किसी भी प्रकार से आप पैसा नहीं ले सकते। बाई चांस 100 में से 1% पैसा आपका वापस आ सकता है, बाकी 99% कोई चांस नहीं है कि आपका पैसा दें। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप 100% सर्टिफाई होने के बाद ही अपनी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर किया करें, और एनीडिक्स ऐप्स कभी भी डाउनलोड मत करना, और डाउनलोड भी करते हो तो ये हो सकता है कंपनी वाले कभी एनीडिक्स डाउनलोड नहीं करवाते, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एनीडिक्स से सारा कंट्रोल दूसरे के पास चला जाता है और कंपनी वाले से कभी नहीं करवाते।
और आप एनीडेक्स डाउनलोड कर भी लेते हो तो किसी के साथ आपके यूपीआई कोड शेयर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन यूपीआई कोड कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपीआई कोड अगर आप शेयर कर देते हो तो फिर आपके पैसे आपके अकाउंट में से आप आसानी से खो सकते हो। तो फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी जो आपके साथ साझा करनी थी, और ऐसे ब्लॉग्स में आपको बना के बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो आपको लास्ट में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा या थोड़ी देर में दिख जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल डी ब्लॉगर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, 100% सर्टिफाई होने के बाद ही अपनी जानकारी किसी के साथ साझा करें, ऐसे किसी के साथ भी साझा ना करें, हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो सकता है ऐसा करने से, तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। आप तो अपना पैसा खो सकते हैं, आपकी मेहनती कमाई खो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए आप मुझे रेगुलर फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस।